नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएफ की केवाईसी कैसे की जाती है, मतलब बैंक अकाउंट कैसे जोड़ा जाता है, पैन कार्ड कैसे जोड़ा जाता है, वो सब हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ईपीएफओ। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाली साइट मिल जाएगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये सर्विस वाले कॉलम में आ जाना है और यहाँ पर आपको मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विस का ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूएन नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड, और आपको सिंपली ये कैप्चा के नीचे साइन इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, मतलब यहाँ पर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस, तो आपको यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली केवाईसी पर क्लिक कर देना है। केवाईसी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऐड केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बैंक, पैन कार्ड और पासबुक, तो आप यहाँ से चाहो किसी को भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले आपको बैंक ऐड करके बता देता हूँ। तो आपको सिंपली बैंक की केवाईसी करने के लिए बैंक पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही बैंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका नाम पहले से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और कंफर्म अकाउंट नंबर कर देना, मतलब यहाँ दोनों जगह अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आईएफएससी कोड डाल देना है यहाँ पर। इतना सब यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आईएफएससी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड वेरीफाई कर लेना है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई आईएफएससी। अगर आपका आईएफएससी कोड सही रहेगा, डिटेल सही रहेगी, तो आपके यहाँ पर ये ऐसा लिखा आ जाएगा, तो आपको सिंपली ओके कर देना है। तो आप जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पर आपका ये जो डिटेल है ये आपकी ग्रीन हो जाएगी, मतलब आपकी सही डिटेल, मतलब आपकी डिटेल सही है। तो आपको सिंपली थोड़ा नीचे आना है और नीचे आपको ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा, तो इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपको सिंपली सेव कर देना है। तो आप जैसे ही सेव करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको सिंपली वो ओटीपी यहाँ पर नीचे डालना होगा, और यहाँ पर आप अपनी डिटेल देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपकी केवाईसी, मतलब बैंक की केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैसेज भी आ चुका है, आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको पैन कार्ड की करके बताता हूँ। पैन कार्ड की केवाईसी करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर पैन पर क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैन डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका नाम पहले से आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा 10 डिजिट पैन, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको पैन का नंबर डाल देना है, मतलब आपके पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। दोस्तों पैन कार्ड की केवाईसी करना बड़ा ही आसान है, आपको सिंपली यहाँ पर नंबर अकेला डालना है और आपको नीचे यहाँ पर ये बॉक्स मिल जाएगा, इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर नीचे मतलब डाल देना है और आपकी डिटेल वेरीफाई कर लेनी है, और आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी पैन की केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको स्टेटस चेक करके बता देता हूँ। तो आपको थोड़ा बैक आ जाना है और सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज पर फिर से क्लिक करना है और केवाईसी पर आपको फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपके अभी जो केवाईसी है वो आपकी अंडर प्रोसेस में डाली रहेगी, आप यहाँ पर स्टेटस में देख सकते हो। तो आपकी ये केवाईसी मतलब एक दिन, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, या 24 घंटे से मतलब ज़्यादा भी लग सकता है, एक दिन दो दिन भी लग सकते हैं, तो आपकी सिंपली 24 घंटे के अंदर हो ही जाती है। और अगर आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है तो आपको सिंपली आपको अपने कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है, आपका ठेकेदार होता है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, तो वही आपकी ये केवाईसी अप्रूव करता है, तो आपकी सक्सेसफुली ऐड हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।